जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है लेकर आईपीएल का एक और मैच। बात होगी केकेआर वर्सेस एसआरएच के मुकाबले की। प्लेऑफ के लिहाज से ये मैच कितना इम्पोर्टेंट है उस पर बात करेंगे, क्या अपडेट है दोनों टीमों का वो बात करेंगे, क्या चेंजेस हो सकते हैं उनकी बातें करेंगे, और आपको पता है कि बड़े इंटरेस्टिंग स्पोर्ट इनके रह रहे हैं तो बदलाव होंगे ही होंगे। बाकी ये सारे टॉपिक्स हम वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जिसका नाम है क्रिकेटोलॉजी। लिंक इस वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में दिया हुआ है, क्लिक करो और जुड़ जाओ, बहुत आसान तरीका है। ऐसा अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करना है आपको, फिर आपको ये करना है कि क्रिकेटोलॉजी के जाना है आपको, आपको टेलीग्राम ऐप खोलनी है। टेलीग्राम ऐप जब खोलेंगे तो वहां जाके सर्च कीजिए क्रिकेटोलॉजी, जो हमारे चैनल का नाम है। जब सर्च करेंगे आपको बहुत सारे चैनल दिखेंगे क्रिकेटोलॉजी के नाम से, ठीक है। किसी चैनल पे ना जाएं, कौन से चैनल पे जाएं जिसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। लगभग उतने मेंबर, 10-20 प्लस माइनस होता है, ठीक है, इतने ही मेंबर लगभग, यूजर नेम, बाकी डिस्क्रिप्शन और नेम, ये सारी चीजें आप क्रॉस मैच कर लीजिएगा जब आप जाएं कहां, टेलीग्राम पर। जैसे ही क्रॉस मैच आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, आप चैनल से जुड़ जाएंगे, ओरिजिनल वाले से, फेक चैनल से, और ठगी से आप बच पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस मैच की। मैच कहां है, मैच है पुणे में, एमसीए पुणे, ठीक है। अब देखिए, पुणे में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो धुआंधार रन बन रहे थे, चारों पिचेस में, चारों ग्राउंड्स पे सबसे फ्लैट पिच पुणे की थी। लेकिन पिछले तीन मैचेस से अचानक कुछ ऐसा हो रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है। कारण क्या है कि ड्यू का तो कोई फैक्टर पुणे में होता नहीं है, है? फैक्टर क्या है, फैक्टर ये कि पिच हो जाती है बहुत स्लो, सेकेंड इनिंग में बॉल रुकते आने लगता है सडनली, इसीलिए पेसर्स कामयाब हो रहे हैं वहां पे। स्पिनर्स के कंपैरिजन में पेसर्स ज्यादा कामयाब हो रहे हैं और कोई भी स्कोर डिफेंड हो रहा है। देखो पीछे जो मैच गुजरात लखनऊ का हुआ, वहां पे गुजरात ने 144 बनाए और उसको डिफेंड कर दिया, 82 का ऑल आउट कर दिया लखनऊ को। उससे पहले एक और मैच हुआ था वहां पे लखनऊ और केकेआर का ही, सेम टीम थी केकेआर और लखनऊ का, तो लखनऊ ने पहले खेल के 176 बना लिए थे लेकिन केकेआर 101 पे, मतलब 101 पे ऑल आउट हो गया था। कहने के मतलब जो है वो ये है कि सेकेंड इनिंग में पिच डिफिकल्ट हो रही है बैटिंग के लिए, तो विन टॉस बैट फर्स्ट एंड विन मैच, ये फॉर्मूला हो गया पुणे का। पहले जो टीम बैटिंग करेगी वो 150 प्लस, यही कही है, 150 से लेके 165 तक बना पाएगी, ठीक है। दूसरी टीम ये मैच हार जाएगी, चांसेस ऐसे ही है, ये स्कोर चेंज नहीं होगा, 150 प्लस कुछ भी पुणे में सेफ रहेगा जैसा पिचेस का अभी मिजाज चल रहा है, ठीक है। पिच की बात हो गई, आ जाते हैं टीम न्यूज पे। तो टीम न्यूज क्या है, देखिए ये वो स्क्वाड है जो केकेआर ने पिछले मैच में खिलाई थी अपनी, और ये वो स्क्वाड है जो एसआरएस ने पिछले मैच में अपनी खिलाई थी, ठीक है। इसमें बदलाव क्या हो सकते हैं, तो देखिए कमिंस आईपीएल से बाहर हो गए, पैट कमिंस आईपीएल से बाहर हो गए, तो मतलब इनका तो बदलाव पक्का है। अब इनकी जगह आएगा कौन, तो फॉरनर जो पेसर है इनके पास, जो एक स्टॉक है उसमें कोई खासा नाम बचा नहीं है, मतलब इनको कमिंस की जगह इंडियन नेम लेके आना पड़ेगा। अब इंडियन नेम किसको ला सकते हैं, ये उमेश यादव फिट नहीं है पूरी तरह, इन दैट केस किसको ला सकते हैं, शिवम माविया, हर्षित राणा, दो ऑप्शन है आपके पास, तो इनकी जगह मोस्ट प्रोबेबली माविया आएंगे। अब फायदा केकेआर का इसमें ये हो जाएगा, सब बैंक ब्लेसिंग इन डिस्क्वाइस, कि अगर मावी बाहर हो रहे हैं तो इसका मतलब मावी कमिंस की जगह आ रहा है, इसका मतलब एक फॉरनर का स्लॉट खुल गया इनका, एक विदेशी खिलाड़ी ये ले सकते हैं। तो किसको ले सकते हैं, तो सेल्डन जैक्सन की जगह सैम बिलिंग्स आ सकते हैं। ये तो बदलाव इस टीम में आने होने की संभावना है कि सेल्डन जैक्सन की जगह सैम बिलिंग्स और कमिंस की जगह मावी, ये दो बदलाव संभावित है, बाकी टीम सेम टू सेम खेलेगी, ठीक।
बात अभी एसआरएच की। तो एसआरएच का टॉप फाइव जो है नो चेंज, ठीक है। सुचित भी खेलेंगे, शशांक भी खेलेंगे, कार्तिक त्यागी, भूमि उमरान, फजल हक फारूकी, नटराजन अनफिट है, और सी नवट को पिछले मैच में खिलाया नहीं इन्होंने, फजल हक फारूकी को लेकर आया था। मुझे लग रहा है कि जो पुणे की पिच है जैसी उसपे सी नवट से ज्यादा कामयाब रहेंगे फजल हक फारूकी। अगर इनके साथ कंटिन्यू करता है एसआरएच का स्क्वाड तो बदलाव की संभावना इस टीम में भी है नहीं, मतलब कोई बदलाव यहाँ होगा नहीं, बस यही बदलाव होंगे, ठीक है। स्मॉल लीग पिक्स की बात करें तो केकेआर के खेमे से नीतीश राणा, ठीक है, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, टीम साउथी बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इधर बात करें अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, मार्करम, पूरन, फजल हक फारूकी और भुवनेश्वर कुमार, ये प्लेयर्स एसआरएच के स्कोर से स्मॉल लीग में बेहद इंपोर्टेंट होने जा रहे हैं। ग्रैंड लीग पिक्स की अगर हम बात करें तो आजिंक्य रहाणे एक बढ़िया दाव हो सकते हैं यहाँ पे, और कारण उसका क्या है कि जिस तरीके का गेम है आजिंक्य रहाणे का, उस गेम पेस पे, उस जैसी पिचेस यहाँ पे है, अगर केकेआर पहले बैटिंग करता है तो आजिंक्य रहाणे 40 प्लस का स्कोर इनको दे सकते हैं। तो ग्रैंड लीग में आजिंक्य रहाणे बहुत बढ़िया पिक है। रिंकू सिंह भी इक्वली गुड है, एक दो कैच भी ले जाते हैं डीप में तो 15-16 पॉइंट तो वहां से देंगे, और प्लस 25-30 की एक पारी भी खेलेंगे तो भी अपना काम कर देंगे। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में नारायण वरुण को ज्यादा मदद या ज्यादा विकेट्स मिलने की संभावना वहां पे है नहीं। हाँ, केकेआर अगर बैटिंग सेकंड करेगा तो नारायण अप टू 2 विकेट्स ले सकते हैं, तो इसलिए अगर केकेआर डिफेंड करने जाए, केकेआर की पहले बैटिंग रहे, केकेआर डिफेंड करने जाए तो नारायण को आप ग्रैंड लीग टीम में ले लेना, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती किसी भी हालात में लेने लायक संभावना नहीं, हालांकि इनके जैसे एक और बॉलर राशिद खान ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे, लेग स्पिनर है वो, लेकिन ये मिस्ट्री स्पिनर है और इस साल इनकी लाइन लेंथ सब गायब है, 2-3 विकेट मुश्किल से पूरे टूर्नामेंट में लिए हैं। यहां बात करें तो ग्रैंड लीग के हिसाब से राहुल त्रिपाठी कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी की चॉइस बहुत अच्छे है, क्यों है कारण बता देता हूं। कारण ये है कि पुणे राहुल त्रिपाठी का होम ग्राउंड है, ठीक है, टेक्निकली भी साउंड है, राहुल त्रिपाठी अच्छे पेस पे खेलते हैं, पिछले मैच में भी एक बढ़िया पारी खेली, तो उस केस में सारे जो कंडीशन है वो राहुल त्रिपाठी के फेवर में जा रहे हैं। अगर एसआरएच पहले बैटिंग करता है तो त्रिपाठी बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। एडन मार्करम भी इतने ही क्रूशियल रहेंगे ग्रैंड लीग में भी, क्योंकि टेक्निकली विलियमसन के बाद कोई सबसे सक्षम बैट्समैन इस लाइनअप में तो वो एडन मार्करम है। गेंदबाजी में कार्तिक त्यागी को मत भूलना, कम से कम 3 विकेट आपको ये इस मैच में देकर जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो ये प्लेयर्स आपके हो गए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग पिक्स, ठीक है। अब स्मॉल लीग टीम की तरफ चलते हैं, फिर ग्रैंड लीग टीम की तरफ भी चलेंगे, लेकिन आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग खेलने का है वो समझना बेहद जरूरी है। आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग खेलनी है आपका 1-2-11 ऐप पर, ठीक है। 1-2-11 सॉरी 1-2-11 नहीं है, रियल 11 ऐप पर आपको खेलना है, ठीक है। रियल 11 का लिंक कहां दिया हुआ है, जहां जहां आपका दिया हुआ है, टेलीग्राम में दिया हुआ है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, और आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो अभी जुड़े और जुड़ के आराम से अच्छी विनिंग करें, बढ़िया विनिंग करें दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं टीम्स की तरफ, फायदे बताऊं ऐप के तो यूजर कॉम्पिटिशन कम है, प्लेयर्स की क्रेडिट वैल्यू कम है, सेकेंड इनिंग्स खेल सकते हो, सेशंस खेल सकते हो, वीकली लीडर बोर्ड पे 1,00,000 और आईपीएल लीडर बोर्ड पे महिंद्रा थार आपका इंतजार कर रही है। तो अभी आज से करिए दबा के इन्वेस्टमेंट आप रियल लेवल पर, और उसके अलावा अगर आपको क्या करना है, डिफरेंट टीम बना के खेलना है, जैसे बैटिंग टीम सिर्फ, बॉलिंग टीम सिर्फ, रिवर्स फैंटेसी, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं विजन 11 से ऐप से। विजन 11 का लिंक भी जहां जहां दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहीं वहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए टीम की तरफ चलते हैं, बनाते हैं टीम स्मॉल लीग। यहां पे
ग्रैंडली वन यहाँ पे जिसको हम लो रिस्क टीम बोलते हैं, ग्रैंडली टीम टू हाई रिस्क बोलते हैं इसको। ठीक है, स्मॉल टीम में देखिए विकेट कीपिंग चॉइस हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा एच से पूरन है, नंबर पांच खेलेंगे या चार भी आ सकते हैं, ठीक है, और बैटिंग आएगी इस मैच में पक्का आएगी। दूसरी तरफ केकेआर तीन विकेट कीपर ट्राई कर चुका है, बाबा इंद्रजीत, शेल्डन जैक्सन, बिलिंग्स, कामयाबी कहीं से नहीं मिली है, बिलिंग्स कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर बैठना पड़ा है, इस मैच में अंदर दिख सकते हैं आपको, लेकिन हम पूरन के साथ जाएंगे क्योंकि दूसरा विकेट कीपर कोई ऐसा सॉलिड नहीं है जिसकी फॉर्म ठीक हो या जिसका गेम कवर बढ़िया हो। ठीक है, बैटिंग में अपन चार ऑप्शंस के साथ जा रहे हैं, यहां पे कारण बता दूं क्यों और कैसे। श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी। अभी चार बैट्समैन कैसे कैसे, देखिए श्रेयस, नीतीश और त्रिपाठी तो अपनी अपनी टीम के लिए बेस्ट बैट्समैन है, फॉर्म में है इसलिए लिया। वेंकटेश अय्यर को लेने के पीछे कारण यह है कि पिछले मैच में 48 रन की पारी खेली, लेकिन वो 48 रन से ज्यादा उनके लिए लर्निंग थी कि उन्होंने आईपीएल में क्या मिस किया। उन्होंने मिस ये किया कि अपना जो नेचुरल गेम था उससे हटे, पिछले मैच में उन्होंने वो नेचुरल गेम अपनाया जिसकी वजह से 48 रन की इनिंग्स खेली। तो इस मैच में अगर केकेआर पहले बैटिंग करता है तो वेंकटेश अय्यर आपको क्विक फायर 30-35 रन दे सकते हैं, और जहां मैच 150-55 तक का होने की संभावना है वहां पर कोई प्लेयर आपको आगे 30-35 रन का मतलब लगभग 40 पॉइंट दे दे, वो भी ऐसा प्लेयर जो सबकी टीम में होगा नहीं, तो ये समझिए कि आप शुरू में ही लीड ले जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। ऑलराउंडर रसल और मार्करम, मार्करम का लेने का मतलब यह है कि पूरन, त्रिपाठी और मार्करम, मतलब हैदराबाद के भी टॉप फाइव से जो टॉप थ्री बैट्समैन है फॉर्म वाइज वो हमने पिक कर लिए, ले लिए यहां पे। ठीक है, बॉलर्स चार, साउथी को लेना बनता ही है, भी को लेना बनता है इस पिच पे तो पक्का, और कार्तिक त्यागी को लेकर जा रहा हूं मैं। इनके साथ चौथा बॉलिंग ऑप्शन मावी के रूप में ले रहा हूं मैं, क्योंकि रसल, साउथी और मावी ही तीन पेसर होंगे किसके वाला, केकेआर के। ठीक है, तो इन तीनों को लेकर जा रहा हूं, मावी क्या डेथ ओवर बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं आपको, तो विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके बन जाएंगे कैप्टन रसल और वाइस कैप्टन राहुल त्रिपाठी। अब देखिए वाइस कैप्टन तो राहुल त्रिपाठी रहेंगे, ये तो पक्का है हर हाल में। कैप्टन रसल कब रखना है कब नहीं रखना है, अगर केकेआर रसल को मिला के पांच फ्रंटलाइन बॉलर खिलाता है तब तो रसल को कैप्टन रखना है। ठीक है, क्योंकि रसल से कम तीन ओवर आपको जरूर मिलेंगे, तीन ओवर का मिलने का मतलब है कि दो तीन विकेट भी रसल दे देंगे। अगर पांच प्रॉपर फ्रंट लाइन बॉलर के केआर खिलाने के बाद सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन रसल रहते हैं तो फिर कैप्टन नहीं बनाना है, फिर कैप्टन श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा में से किसी को बना लेना, इनको छोड़ देंगे। इसीलिए टेलीग्राम पर जुड़े रहना जरूरी है ताकि अगर कोई अपडेट हो तो साथ के साथ मैं दे दूं। टीम अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, कुछ इस तरीके की टीम दिख जाएगी आपको जो बनी है। ठीक है, चलिए टीम नंबर टू की तरफ चलते हैं, आपका ग्रैंड टीम टीम पूरन एज ए विकेट कीपर रहेंगे क्योंकि दूसरा विकेट कीपिंग ऑप्शन हमारा कोई बहुत सॉलिड है नहीं, तो पूरन रिटेन किया। बैटिंग ऑप्शंस में श्रेयस अय्यर को रिटेन किया, राहुल त्रिपाठी को रिटेन किया, बदलाव कहां हुए, राणा और अय्यर की जगह वेंकटेश अय्यर की जगह आए कौन, अभिषेक शर्मा, ये आगे केन विलियमसन यहां पे,
मातराम को ड्रॉप कर रहा हूं, इनकी जगह रिंकू सिंह, मतलब 5 बॉलिंग और बैटिंग ऑप्शंस में लेके जा रहा हूं उस मैच में, ठीक है। ऑलराउंडर सिर्फ दो, रसल और रिटेन की नारायण को ला रहा हूं, ठीक है। बॉलिंग ऑप्शंस 3, कौन कौन, साउदी को तो मैंने रखा है एज इट इज, बाकी इनकी जगह फजल अक फारूकी, और उमरान मलिक, ये मिडिल ओवर्स में और ये डेथ ओवर्स में डेप्थ दे सकते हैं। अगर एसआरएच बाद में बॉलिंग करेगा तो फिर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए कॉम्बिनेशन आपका बना 5 बैट्समैन, 1 विकेटकीपर, 2 ऑलराउंडर, 3 आपके बैट्समैन, तो सॉरी बॉलर, ऐसे करके बने। कैप्टन श्रेयस अय्यर और वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा, ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको दिख जाएगा किस तरीके का कॉम्बिनेशन ये बनकर तैयार हुआ, ठीक है। ऐसा ना जगह पहले बैटिंग करता है तो उसके हिसाब से ज्यादा यूजफुल कॉम्बिनेशन है ये। चलिए चलते हैं टीम नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारी हाई रिस्क टीम है, इसलिए यहां पूरन को ड्रॉप किया और जैक्सन को लेकर आया। बिलिंग्स खेलेंगे तो फिर बिलिंग्स के हिसाब से डिसीजन लेंगे हम, लेकिन फिलहाल चूंकि जैक्सन के खेलने की संभावना है तो जैक्सन। बैटिंग में राहुल त्रिपाठी तो रहेंगे एज इट इज रिटेन, बाकी डिफरेंट चॉइस दो, एक तो आजिंक्य रहाणे और एक शशांक सिंह। हैदराबाद को 2 मैचेस में लगातार ये क्विक रन दे चुके हैं, तो काबिलियत बहुत है, बस ये कि मौका उतना नहीं मिल रहा है जितनी काबिलियत है। ऑलराउंडर सिर्फ एक, रसल, 6 गेंदबाज, कौन कौन, साउथी को रिटेन किया, भूमि को रिटेन किया, कार्तिक को रिटेन किया, मावी को रिटेन किया, मतलब चारों बॉलर्स तो ये, और इनके साथ उमरान मलिक और फजल हक फारूकी। अब देखिए ये टीम अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो रसल के साथ 6 पेसर, मतलब 60 पेसर्स हैं जिनके खेलने की संभावना है इस मैच में, ठीक है। 7 के 7 मैंने अलाइन कर दिए इस टीम में, क्यों कर दिए, क्योंकि पिछले 2 मैचेस के रिकॉर्ड पे मैं जा रहा हूं, तो मैक्सिमम विकेट जो है राशिद खान के 4 विकेट हॉल को छोड़ दिया जाए और साई किशोर के 2, तो 10 10 20, तो नहीं 17 17 17 और 14 31, 31 में से पिछले 2 मैच में से 24 विकेट पेसर्स को मिले हैं और 7 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं, जिसमें राशिद खान का 4 विकेट हॉल है, ठीक है ना। अब राशिद की क्वालिटी का स्पिनर तो मैं इधर है इधर है, तो फिर इन केस में क्या है कि जो बॉलिंग है वो मैक्सिमाइज कर सकती है विकेट, और मैच में 17 18 विकेट गिरने की संभावना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 17 18 में से 15 विकेट पेसर्स के हिस्से आने वाले हैं, और पेसर्स क्या है ये 7, तो मैं पूरे 15 विकेट पे कब्जा करके बैठा हूं इधर। कैसी रही 15 विकेट का मतलब समझ लो कि कितने सारे पॉइंट्स, मतलब एक गुड रैंक ऐसे ही होगी अगर मैच अपने हिसाब से चला गया कैप्टन वाइस कैप्टन के बाद। टीम साउथ ही इस पिच पे और इस टीम में कैप्टनसी के बहुत बढ़िया कैंडिडेट रहेंगे, इसलिए टीम साउथ ही कैप्टन और वाइस कैप्टन थोड़ा हटके फजल उक फारूकी, चाहे तो आप रसल को वाइस कैप्टन बना सकते हैं इस टीम में भी, ठीक है, या आजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, मैं फजल हक को बना रहा हूं। स्क्रीन पे टीम देख लीजिए, इस तरीके की टीम आपको ये दिखने जा रही है, ठीक है। देखिए चलिए बात होगी मैच में टीम से रिलेटेड, बात आती है प्रॉफिट फंडा की। प्रॉफिट फंडा क्या है, प्रॉफिट फंडा ये है कि आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां प्रॉफिट प्लान 2022 करके एक मैसेज होगा, वहां आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि मैच विनर पे इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कहां करें, तो उसके लिए अभी जुड़े, ठीक है, और क्या करें, खेलना शुरू करें। मैच विनर की जहां तक इस मैच की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एसआरएच का पड़ा भारी है, बाकी टॉस के बाद बता दूंगा मैं फाइनल अपडेट क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हमारी मुलाकात तो हर दिन होती रहेगी, मेरे साथ जरूर जुड़े रहें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बाकी तो फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता।